एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो रोज की तरह वापस से नई सुबह, लेकिन हमारे वही डेली वाले काम। तो चलिए काम की शुरुआत करते हैं और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज मेरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है बाहर मेरे एंट्रेंस वाले एरिया में। मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद सारे जो विंडो हैं, दरवाजे हैं, वो सारे मैं खोल देती हूँ। खासकर जो मेरा मेन एंट्रेंस वाला डोर है उसे मैं ओपन कर देती हूँ, खोल देती हूँ। उसके बाद जो भी थोड़े बहुत अगर जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए हैं तो उन्हें उनकी जगह पर सेट करती हूँ, और वहाँ झाड़ू, और उसके बाद सबसे पहले पानी के छींटे वहाँ मारती हूँ। क्योंकि वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में कहा गया है कि जो घर का हमारा मेन एंट्रेंस एरिया होता है वो हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। इसीलिए अधिकांश जगह आप देखना कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो सबसे पहले उठ के घर के बाहर क्लीन करती है, जो घर का बाहर का एंट्रेंस एरिया होता है वहाँ झाड़ू करती हैं, उसके बाद पानी की छींटे मारती हैं। और या आप गाँव में घर में चले जाओ तो वहाँ देखना आप, गाँव में अधिकांश घर मिट्टी के होते हैं, तो वहाँ आप देखना हर घर के बाहर गोबर से ज़रूर लीपा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सुख समृद्धि उन्नति हमेशा बनी रहे और माँ लक्ष्मी का सदा वास हमारे घर में रहे। मैंने भी बचपन से अपने घर में वही देखा है, तो मैं भी उसी को फॉलो करती हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले जो मेरा मेन एंट्रेंस एरिया है उसे ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो मेन एंट्रेंस वाले एरिया को क्लीन करने के बाद ये जो प्लांट है, इंडोर प्लांट, मैंने वहीं पर रखा था, तो इसके पत्ते मैं देख रही हूँ थोड़े थोड़े सूख रहे थे, तो इसे मैं अभी कुछ दिन के लिए बालकनी में लाके रख दी हूँ, और जो पत्ते सूख गए थे उन्हें निकाल दिया है। और जब आप कोई भी किसी एक प्लांट की केयरिंग स्टार्ट करते हो ना, तो फिर बाकी जितने प्लांट हैं वो भी आपके आँख के सामने नज़र आ ही जाते हैं कि थोड़ी बहुत चलो उनकी भी कर ली जाए देखभाल। तो कुछ तो वैसा करना नहीं था, बस क्या हुआ था ना कि सारे गमलों में की मिट्टियों में थोड़े बहुत जो आलतू फालतू घास नहीं होते वो निकल गए थे, तो वो मैं हटा दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ। कूड़ा भी देना है, बट अभी खाद ख़त्म हो गई है, तो इसलिए जब मैं खाद लाऊँगी तभी कूड़ा करूँगी, उसके बाद खाद डाल दूँगी। और जो पाम प्लांट है उसमें भी कुछ पत्ते पूरे पीले हो गए थे, सूख गए थे पूरे, तो वो भी हटा देते हैं। ऐसे सूखे पत्ते रहने नहीं चाहिए पौधे में, पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है। मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने सुना है, इसलिए जो भी सूखे पत्ते हैं वो मैं हटा दे रही हूँ। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही बीच बीच में पौधों की अगर आप केयरिंग करेंगे ना तो पौधे बड़े अच्छे होते हैं। मुझे उतना नॉलेज सही में नहीं है, जितना थोड़ा बहुत है उतना मैं उस हिसाब से फॉलो करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो हमारे घर का मेन खूबसूरती, जिसकी वजह से हमारा घर और ज़्यादा सुंदर लगता है, वो है ये हरे भरे प्लांट, ये हरे भरे पौधे। तो इनकी देखभाल तो बनती ही बनती है। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, उस हिसाब से ही मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, वही करते हैं ये सब चीज़, ये सारे काम, पौधों की देखभाल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया है तो उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मुझे जितना आता है, मेरी नॉलेज में जितना भी है, मैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो चलिए, पौधे में जो भी, मतलब गमले में जो भी थोड़ा बहुत निकल गया था घास, उसे मैंने क्लीन कर दिया है, और उसके बाद चलिए किचन में लग जाते हैं। क्योंकि सारे काम आपके टाइम टू टाइम चलने चाहिए, ये नहीं कि साफ़ सफाई के काम करने के चक्कर में नाश्ता खाना आपका लेट हो जाए, तो वो नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी मैं नाश्ता बनाने आ गई थी, क्योंकि संडे हैं, सभी थोड़ी देर तक सोते हैं, तो अभी सब लाइन बाय लाइन उठ रहे हैं, उठने के बाद ही सबको नाश्ता चाहिए, तो फटाफट चलिए नाश्ता रेडी कर देते हैं। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी आज बन रही है, तो आलू बैंगन मैं इधर फ्राई कर ले रही हूँ, और उधर मसाला मैंने बैठा दिया है इंडक्शन में, कुकर में। मसाला उधर फ्राई होगा तब तक आलू बैंगन भी मेरी फ्राई हो जाएगी, फिर इसे मसालों में मिक्स करूँगी, और उसके बाद फिर सब्ज़ी फटाफट रेडी। तो ये सब करते करते बच्चे भी उठ गए थे, उन्होंने ब्रश कर लिया था, तो ब्रश के बाद उन्हें सबसे पहले हॉर्लिक्स चाहिए होती है, तो मैं उन्हें बना कर दे देती हूँ फटाफट हॉर्लिक्स। तो मैं यहाँ पानी का यूज़ कर रही हूँ, दूध में पीना उन्हें पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्हें मैं पानी में ही देती हूँ। ओके, तो बच्चों को हॉर्लिक्स मैंने दे दिया था, तब तक इधर मेरा जो सब्ज़ी का मसाला है वो फ्राई हो गया था, और आलू बैगन भी एक तरफ मैंने फ्राई करके रख लिया था, तो उसे मैंने मसालों में ऐड किया, थोड़ा बहुत चलाया, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह फ्राई हो चुके थे। मसाला मैंने अलग से फ्राई किया था और आलू बैगन को मैंने अलग से फ्राई किया था, तो मसालों के साथ अच्छे से फिर फ्राई करने की ज़रूरत थी नहीं, तो थोड़ा बहुत मैंने चलाया। उसके बाद पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक, उसके बाद कुकर में ढक्कन लगा देंगे, 2-3 सीटी मारने के बाद सब्ज़ी मेरी फटाफट रेडी हो जाएगी। तो चलिए, अभी सब्ज़ी बनने में थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं आ गई थी बेडरूम को अरेंज करने के लिए, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहले मैं एंट्रेंस वाले एरिया में चली गई, तो बेडरूम मेरा रह गया था, और रहने का रीज़न है कि ये भी था क्योंकि ये सोए हुए थे, मैं तो उठ गई थी लेकिन घर में बाकी सब सोए हुए थे, तो उस वक्त आप कैसे क्या करोगे। तो अभी सब कोई उठ चुके हैं, तो सबसे पहले जो भी बेडरूम है, जो भी बेडशीट लगानी है मुझे, लाइन बाय लाइन सब रूम की बेडशीट को लगा लेती हूँ।
तो फाइनली बेडरूट को अच्छे से सेट कर दिया। और इसी बीच इन्होंने आटा ला दिया था, क्योंकि रात में ही एक्चुअली आटा खत्म हो चुका था और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, नहीं तो ये रात में ही ले आते। तो अभी मॉर्निंग में जब मैं आटा निकाल रही थी तो देखा कि आटा बिल्कुल नहीं है, तो फिर इन्होंने जो हमारे घर के सामने लोकल शॉप है, दुकान है, वहाँ से इन्होंने आटा ला दिया। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे यहाँ ये होती है ना कि सबको प्रॉपर नाश्ता चाहिए, मतलब मेरे यहाँ नाश्ता में आपको रोटी सब्जी डेली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी दिन चूड़ा पोहा बना लिया या किसी दिन उपमा बनाया गया या किसी दिन कुछ और बन गया तो चल गया नाश्ता। मेरे यहाँ सभी को प्रॉपर रोटी और सब्जी चाहिए, नाश्ता होना चाहिए, तब वो नाश्ता हुआ। नहीं तो आप ऐसे कुछ भी बना के दे दो, किन्हीं का पेट नहीं भरना है, फिर वापस सब बोलेंगे कि रोटियाँ बना दो। तो इसलिए मेरे यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि सुबह सुबह अगर आटा ख़त्म है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो जी जो आटा का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था, तो मैंने फटाफट आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चों का नाश्ता का टाइम भी हो गया था। घर के काम मेरे होते रहेंगे, बट जो ये नाश्ता खाने का टाइम है ना, ये एकदम टाइम पर होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम घर का काम करते हैं तो सभी तरफ हमारा दिमाग रहता है कि घर के कामों के चक्कर में कहीं किचन के काम ना छूट जाए, या किचन के कामों के करने चक्कर में कहीं बाकी घर के काम ना छूट जाए। तो सारे काम हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं, सब तरफ हमारा ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो पता चलेगा ना इधर के ही हुए ना उधर के हुए। तो इतनी हैबिट हमारी हो जाती है काम करते करते कि ऑटोमेटिक हमारा ध्यान सब तरफ चला ही जाता है कि अरे ये करके अभी वो भी करना है हमें। तो चलिए आटा मैंने गूंथ लिया था, और नाश्ता वास्ता सबको करवाने के बाद थोड़ा बहुत जो घर का काम बचा हुआ था वो था मॉपिंग करना घर में, तो अब वो भी फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा जो क्लीनिंग डस्टिंग वाला काम है वो मैंने ख़त्म कर दिया, बस मॉपिंग बचा हुआ था। और मॉपिंग ऐसा काम है ना जो आप साथ ही साथ कर लो ना तो फटाफट हो जाने हैं, नहीं तो फिर अगर आप थोड़ी देर भी अगर बैठ जाओ आराम से इत्मीनान से उसके बाद मॉपिंग उठाओ तो फिर आलस भी लगता है, वाव भी लगता है, मन भी नहीं लगता है करने में, और लेट भी होता है, मतलब टाइम आपका पूरा वेस्ट। इसीलिए मैंने फटाफट सारे काम अपने ख़त्म करके जो मॉपिंग वाला काम बचा था वो भी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसी के चक्कर में फिर अभी बहुत लेट हो जाना है। और क्या है ना, अभी घर बिल्कुल खाली है, मतलब बच्चे नाश्ता करके नीचे चले गए हैं खेलने के लिए, पति देव भी बाहर चले गए हैं, कुछ काम था उनका, तो अभी घर पूरा खाली है, तो मैं आराम से मॉपिंग का काम कर सकती हूँ, मतलब फटाफट होने हैं मॉपिंग वाले काम। अगर आप मॉपिंग करते रहो और बीच में कोई इधर उधर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो बड़ा लेट होता है। तो जो पोछा वाला काम है ना, वो घर पूरा खाली है तो बड़ा ईजी से हो जाता है, तो चलिए फटाफट पूरे घर में पोछा मार लेते हैं। ओके, तो घर के सारे काम फाइनली ख़त्म हो गए थे और बड़ी जल्दी भी हो गए। मुझे लग रहा था कि शायद आज कहीं लेट ना हो जाए घर के काम होते होते, बट नहीं, फाइनली मेरे घर का काम टाइम पे हो गए, और वो भी संडे के दिन, क्योंकि बाकी दिन तो चलिए सब चले जाते हैं अपने अपने, मतलब बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव ऑफिस चले गए, तो मैं घर में अकेले रहती हूँ, फटाफट सारे काम हो जाते हैं। लेकिन आज घर पे सब थे तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि घर में जब सब रहते हैं ना तो आपका काम भले आप आधा घंटा में करते हो वो एक घंटा चला ही जाता है, लेट हो ही जाता है खुद ब खुद ना चाहते हुए भी। तो चलिए फ्रेश व्रेश, मतलब सावर मैंने ले लिया था, बाल वॉश करना था क्योंकि कल मैंने तेल लगाया था, तो वो वॉश कर लिया था बाल। और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि इन्होंने मछली ला के रखा था, बहुत टाइम से बोल रहे थे मछली मछली, बट मैं मना कर रही थी, क्योंकि क्या होता है ना मछली लाने से कोई खाने ही नहीं खोजते, प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है, बच्चों को मछली बिल्कुल नहीं पसंद है, और अगर आप घर में कुछ भी ला रहे हो और बच्चे ही नहीं खाए तो फिर क्या मज़ा। तो इसलिए मैं मछली मना कर रही थी कि मत लाइए कोई नहीं खाते, और अब जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना सच बोलूँ मछली खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट इनका काफ़ी दिन से मन था, तो बड़ी मछली तो मैंने मना कर दिया कि नहीं बिल्कुल ही, बहुत लफड़ा है बड़ी मछली में, ऊपर से बहुत क्लीनिंग भी करनी पड़ती है बनाने के बाद। और सच बोलूँ घर में इतने सारे काम होते हैं और एक लगातार होते हैं कि फिर एक्स्ट्रा काम करने का ना मन नहीं करता है। अभी जैसे मॉर्निंग में मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया है, और बड़ी वाली मछली बनाने के बाद फ्राई होने के चक्कर में भी कितने सारे छींटे इधर उधर पड़ते हैं, फिर जब मछली बनती है उसके बाद भी एक अलग सा स्मेल पूरा किचन में छा जाता है, तो उसके बाद जब तक आप पूरे किचन को अच्छे से नहीं धोओगे वो महक नहीं जाता है। तो वो वापस से मुझे एक्स्ट्रा वाला काम अभी नहीं चाहिए था, क्योंकि वैसे भी आज संडे है और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम पड़े हुए रहते हैं संडे को करने के लिए, तो इसलिए छोटी मच्छी आज बनाने का प्रोग्राम बटा, बट चले कोई नहीं, इनकी फरमाइश से ऐसे या जैसे तैसे पूरी हो ही गई, मछली इनको चाहिए था चाहे बड़ी हो या छोटी हो, तो चलिए छोटी मछली आज बना देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे फ्राई कर लिया है, मछली में मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर उसे मैरिनेट कर लिया था और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया, तो सारी मछली मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब बारी थी मसाले की तैयारी की, तो मसालों के लिए मैंने यहाँ वापस से उसी कढ़ाई में तेल ऐड किया, तेजपत्ता और पचफोरन डाला है, और उसके बाद मैंने अलग से ग्राइंड करके रखा था सरसों लहसुन मिर्चा, मिर्चा मैं यहाँ लाल मिर्चा का यूज मैंने किया था, लाल मिर्चा जो गोटा मिर्चा होता है वो मैंने यूज किया था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला और थोड़ा सा यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि कलर अच्छा है, वो मैंने ऐड कर दिया। और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं।
सरसों डाल के जब आप कोई भी सब्जी बनाते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो सरसों वाली सब्जियां हैं ना, ये थोड़ी सी भी लटक गई तो टेस्ट बड़ा ख़राब आता है, मतलब तीतापन आ जाता है। तो इसलिए बराबर इसे चलाते रहना है। और जब ये हल्का सा तेल छोड़ने लगे, तो फिर मैंने इसमें 3 टमाटर बड़े साइज के कट करके ऐड कर दिए हैं, क्योंकि सरसों वाली सब्जी में टमाटर जब तक अच्छे से नहीं पड़े हो, खासकर मछली में, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने 3 बड़े टमाटर अच्छे से कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी, साथ में ही मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। उसके बाद इन मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करूंगी, जब तक तेल अच्छे से मसालों से निकल ना जाए। बराबर चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, हो सके तो आप थोड़ा सा आँच स्लो कर दो, बहुत ज़्यादा हाई आँच रखना भी नहीं है, नहीं तो अगर मसाले थोड़े से भी लटके तो फिर टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैं किचन से हिल नहीं रही थी, बराबर मैं इसे चला रही थी। तो जब मसाले मेरे अच्छे से फ्राई हो गए, तो फिर मैंने यहाँ 1 गिलास पानी ऐड किया है। जितनी मछली हो आपकी, इसको अकॉर्डिंग ही पानी दे, भले कम ही दे, क्योंकि छोटी वाली मछली में ज़्यादा ग्रेवी रहती नहीं है, एकदम वो लटपट रहता है, तो ही मज़ा आता है खाने में। तो पानी बॉईल हो चुका था अच्छे से, उसके बाद जो मेरी मछली थी, फ्राई मछली करके मैंने रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस थोड़ी देर ढककर छोड़ेंगे, उसके बाद मछली हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये फाइनली पतिदेव की फरमाइश भी पूरी हो गई, और आज कुछ अच्छा भी बन गया। नॉनवेज में संडे था, तो संडे को थोड़ा सा मन भी करता है कि कुछ अच्छा खाया जाए। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।